डिंडोरी में आदतन अपराधी आसिफ खान उर्फ गोलू ने भरे बाजार में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने युवक के पैर में चाकू मारा और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। आदतन अपराधी आसिफ खान पुलिस के लिए इन दोनों मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस उसको ढूंढ पाने में नाकाम हो रही है। पीड़ित सुखवीर यादव ने बताया कि वो मिस्त्री का काम करते हैं। जब वो अपनी दुकान पर थे तब गोलू ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब उन्होंने मना किया तो गोलू ने उनके पैर में धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके पैरों में गंभीर चोट आ गई। इस घटनाक्रम की शिकायत पीड़ित सुखवीर ने पुलिस से की। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। लगभग 11:30 बजे गेट आके मैं दुकान में बैठा और इनसे बताया मैं सामान यहाँ रखा, मैं जा रहा हूँ थोड़ा साइड तक। उतने में वो आ गया तो बोलता मेरे को पैसा दे। तो पैसा हम किस बात करते भाई, तेरी पेजी खा रहा हूँ मैं, मजदूर आदमी खुद कमजोर आदमी कहाँ से दूंगा पैसा। हमसे पैसा मांग रहा था कि मेरे को पैसा दू पीने के लिए, तो मेरे पास पैसा नहीं रहा तो मैं कहाँ से दे दें। पुत्रम ने काला चाकू बोक दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।